देखिए भाई, लास्ट टाइम पे हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था उसके बारे में, एलआर सर्किट के बारे में, है ना। एलआर सर्किट में मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी इंडक्टर में करंट को फ्लो कराएंगे तो करंट इंस्टेंटली ग्रो नहीं करती है, इट टेक सम टाइम, इनफैक्ट इनफाइनाइट टाइम, है ना। ऐसे उसका ग्राफ बनता है, ऐसे ऐसे ग्राफ बनता है, और बहुत टाइम के बाद इनफाइनाइट टाइम बचा के स्टेडी स्टेट आती है। और क्या आपने फॉर्मूला पढ़ा था इसका कल, आई इज इक्वल टू I नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस आर टी बाई एल, एल बाई आर इज कॉल्ड टाइम कॉन्स्टेंट। इसको हम टॉ से डिनोट करते हैं, और आपको बताया था टाइम कॉन्स्टेंट की इंपॉर्टेंस क्या होती है। टाइम कॉन्स्टेंट जितना कम होता है उसमें रेट ऑफ ग्रोथ उतना ही ज्यादा होता है। ये सब बातें मैंने आपको कल बताई थी, ठीक है। हमने लॉ पढ़ा था, मतलब जो हमने ये एक्सप्रेशन निकाला था, ये एक्सप्रेशन किसके लिए निकाला था, ये एक्सप्रेशन मैंने निकाला था ओनली वेन वन रेजिस्टेंस इज प्रेजेंट एंड वन इंडक्टर। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है यार, कॉन्सेप्ट है बेसिकली, प्रॉब्लम ही बोलेंगे मैं उसको, आपको इसी प्रॉब्लम से समझाऊंगा उस कॉन्सेप्ट को। ये शॉर्टकट होता है कि अगर आपके इंडक्टर के साथ बैटरी लगी हो, दो तीन रेजिस्टेंस दिख जाए, यहाँ पे R1 दिख गया, यहाँ पे R2 दिख गया, यहाँ पे इंडक्टर दिख गया, एंड दिस बैटरी इज ऑफ EMF E, ठीक है। आपको कहता है भाई ऐसा है, इंडक्टर में करंट बताओ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, कि फाइंड करंट इन द इंडक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। जे में बहुत बार पूछा गया है, नीट में भी आया हुआ है, और ये रिपीट हो सकता है क्वेश्चन दोबारा भी। अब यार हमने इसको किरचॉफ लॉ से सॉल्व किया था कल, आपको याद होगा, प्रॉपर इंटीग्रेट में इंटीग्रेट किया था, वैसे निकाले हैं तो वो तरीका है, कर सकते हैं। शॉर्टकट क्या होता है, शॉर्टकट ये होता है कि फॉर्मूले में दो चीजें होती हैं, आई नॉट वन माइनस ई पावर माइनस आर टी बाई एल। व्हाट इज आई नॉट, आई नॉट इज मैक्सिमम करंट, या फिर आई नॉट क्या होता है, करंट व्हेन टाइम इज इनफाइनाइट, ये हमारा आई नॉट होता है, ठीक है। एंड व्हाट इज टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट इज एल बाई आर, ये टाइम कांस्टेंट होता है हमारा एल बाई आर। इसको हम उल्टा कर देते हैं तो उसको हम टाइम कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। अब इस अगर मुझे इंडक्टर में करंट निकालनी है तो उसका एक्सप्रेशन इसी टाइप का बनेगा एग्जैक्टली, ठीक है। हमें वहां पर आई नॉट फाइंड करना पड़ेगा, और हमें देखना पड़ेगा कि आर के प्लेस पे क्या वैल्यू आएगी, एल तो रहेगा ही हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ आई नॉट, मुझे सबसे पहले आई नॉट चाहिए, तो मैं बात कर रहा हूं कि हाउ टू फाइंड आई नॉट। कल मैंने आपको बताया था व्हाट इज आई नॉट, आई नॉट इज द मैक्सिमम करंट, कब होती है, व्हेन टाइम इज इनफाइनाइट, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था कि इनफाइनाइट टाइम पे जो इंडक्टर होता है इट बिहेव्स एज जीरो रेजिस्टेंस वायर, ये बात आप ध्यान रखिएगा, जीरो रेजिस्टेंस वायर। और जब टाइम जीरो होता है तो इंडक्टर किस तरह बिहेव करता है, इट बिहेव्स एज ओपन सर्किट, और ये अपने अंदर से करंट को अलाउ नहीं करता है, व्हेन टाइम इज जीरो बिल्कुल अपोज मार देता है। तो देखो भाई, आई नॉट का मतलब होता है मैक्सिमम करंट, और वो टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे होगी, और टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे ये इंडक्टर किसकी तरह बिहेव करेगा, इट बिहेव्स एज ए जीरो रेजिस्टेंस वायर, ठीक है। तो यार ये बताओ, अगर ये जीरो रेजिस्टेंस वायर की तरह काम करेगा तो ये R2 तो खा जाएगा, मतलब यार अगर ये जीरो रेजिस्टेंस वायर है और करंट यहां पे आएगी तो किस में जाएगी, बताओ, R2 में जाएगी। पैरेलल में अगर आप कहीं जीरो रेजिस्टेंस वायर लगाते हो, उसको शंट बोलते हैं, सारी करंट शंट से निकल जाती है, तो जीरो रेजिस्टेंस वायर से निकल जाएगी, R2 गया, फाइनली सीन ये होगा इनफाइनाइट टाइम पे, दिस इज E, दिस इज R1, एंड ये करंट जा रही होगी, एंड व्हाट विल बी करंट, करंट को मैं आई नॉट लिखूंगा, दिस इज मैक्सिमम करंट और दिस विल बी ई बाई आर वन। तो हमारी आई नॉट की वैल्यू आ गई ई बाई आर वन, ठीक है। चलो आई नॉट निकाल दिया हमने, अब कैलकुलेशन ऑफ आर, जिसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, है ना, कैलकुलेशन ऑफ आर विच इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसका तरीका क्या होता है कि आप बैटरी को शॉर्ट कर देंगे, आप बैटरी रिप्लेस बैटरी विद जीरो रेजिस्टेंस वायर, लिखिए इस लाइन को, रिप्लेस बैटरी विद अ जीरो रेजिस्टेंस वायर, तो मैं बैटरी को जीरो रेजिस्टेंस वायर से कनेक्ट कर दूंगा, एंड देन फाइंड आफ्टर रिप्लेसिंग बैटरी विद अ जीरो रेजिस्टेंस वायर, उसको हम जीरो रेजिस्टेंस वायर से रिप्लेस करेंगे विद अ जीरो रेजिस्टेंस वायर, फाइंड नेट रेजिस्टेंस, फाइंड नेट रेजिस्टेंस across
इंडक्टर, फाइंड नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस इंडक्टर, तो मैं इंडक्टर अक्रॉस नेट रेजिस्टेंस निकालना, दैट विल बी इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ठीक है, तो देखो भाई अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके बनाऊं, या आपने नोट कर लिया होगा आई गेस, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके बनाऊंगा तो मुझे क्या दिखेगा कि ये मेरे पास L है, यहां पे R2 लगा है और ये R1 लगा है, इसको घुमा के ऐसे बना देते हैं, आपको थोड़ा क्लियर कट दिख जाएगा। एंड आप देख सकते हो कि R1 R2 पैरेलल में है, नहीं यहां से R2 भी कनेक्टेड है इन दो पॉइंट्स के बीच में, यहां से R1 भी कनेक्टेड है। तो व्हाट इज नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस द इंडक्टर, अगर मैं कोई पूछता है मतलब इंडक्टर के ये दो पॉइंट्स A और B हो गए, इंडक्टर हटा देते हैं, इंडक्टर के अक्रॉस दो पॉइंट्स ए एंड बी एंड फाइंड नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। ठीक है, तो आप देख सकते हो दे आर इन पैरेलल, तो R1 R2 बाय R1 प्लस R2, तो R इज R1 R2 बाय R1 प्लस R2। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या बनेगा, व्हाट विल बी फाइनल एक्सप्रेशन, इट विल बी I इज इक्वल टू I नॉट के प्लेस पे E बाय R1 एंड 1 माइनस E पावर माइनस R1 R2 बाय R1 प्लस R2 इंटू टी बाई एल, दिस विल बी फाइनल एक्सप्रेशन। ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग बात करने वाले हैं डीके सर्किट की, है ना। डीके सर्किट, डीके सर्किट में क्या होता है कि आपने बैटरी से एक भाई बैटरी थी आपके पास, ठीक है, और एक इंडक्टर था, ठीक है, और ये की थी ऐसे, ठीक है, और स्टेडी स्टेट आ चुकी है, स्टेडी स्टेट समझ गया अपना, यहां पर रेजिस्टेंस भी होगा आर, रेजिस्टेंस आर, ये सारी कहानी थी ऐसा, ठीक है, स्टेडी स्टेट आ चुकी है, मैक्सिमम करंट फ्लो कर रही है, एक की और लगी यहां से यहां के बीच में, जैसे वन मोर की, ठीक है, यहां भी एक की लगी ऐसे, ठीक है, ऐसे, दिस इज के वन एंड दिस इज के टू, ठीक है, K1 तो बंद थी अपनी, ठीक, K1 बंद थी तो वो स्टेडी स्टेट होगी और सब कुछ खानी चलेगी, ठीक है। सडनली मैंने K2 को क्लोज कर दिया, तो अगर मैं K2 को क्लोज करूंगा तो बैटरी तो शॉर्ट हो गई, देख लो यार, बैटरी के क्रॉस से जीरो सेंस वायर लग गया ना ऐसे, तो बैटरी तो गई, अगर बैटरी गई तो सीन में क्या क्या बचेगा, इंडक्टर एंड दिस रेजिस्टेंस, ये बचेगा सीन में, ठीक है। करंट ऐसे फ्लो कर रही थी, ऐसे करंट फ्लो कर रही थी एट टी इक्वल टू जीरो, ठीक है, मान लेते हैं यहां पे करंट आई नॉट है एट टी इक्वल टू जीरो, फिर ये इसको बैटरी हट गई और ये रेजिस्टेंस और ये दो बचे, अब क्या होगा भाई, अब इंडक्टर में एनर्जी होगी उसमें, तो वो करंट सडनली जीरो नहीं होगी, ठीक है, करंट को टाइम लगेगा जीरो होने में, क्योंकि इसको अपोज मारेगा, कौन, इंडक्टर को अपोज मारेगा, ठीक है, तो जब अपोज मारेगा तो इसके क्रॉस ईएमएफ डेवलप हो जाएगा और उस ईएमएफ की हेल्प से करंट फ्लो करती रहेगी, धीरे धीरे वो ईएमएफ कम होने लगेगा और सर्किट में करंट रिड्यूस करेगी, इसको बोलते हैं डिके ऑफ करंट। अगर मैं किस डिके का क्या मतलब हुआ कि अगर किसी इंडक्टर में करंट फ्लो कर रही थी, है ना, और सडनली मैं उसको किसी रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दूं तो ये डिके सर्किट बन जाता है और इसमें करंट सडनली जीरो नहीं होती है, इसको टाइम लगता है जीरो होने में। चलो आफ्टर टाइम टी करंट कुछ कम हो चुकी होगी एंड दिस करंट इज आई एंड दिस रेजिस्टेंस इज आर, ठीक है, मैं यहां से यहां चलता हूं, ए से चलता हूं, ऐसे घूम के आ रहा हूं पर लूप में, मैं यहां से यहां जा रहा हूं तो व्हाट विल बी ईएमएफ, इसमें मैंने बोला था आपको माइनस एल डीआई बाई टीटी, ठीक है, एंड माइनस आई आर इज इक्वल टू जीरो, इसमें अगर करंट आई है तो आई आर इज जीरो, लूप बन गया, माइनस एल डी आई बाई टी माइनस आई आर इज जीरो, ठीक है, यहां से एल डी आई बाई टी टी इज माइनस आई आर, ठीक है, या बोले तो डी आई बाई आई इज इक्वल टू माइनस डी टी बाई आर, इंटीग्रेट मारते हैं, शुरू में करंट आई नॉट थी, बाद में आई हो गई, शुरू में टाइम जीरो था, बाद में टी हो गया, तो ये लॉग आई आएगा आई नॉट टू आई एंड दिस इज माइनस टी बाई आर आ जाएगा लिमिट लगा के, तो दिस इज लॉग आई बाई आई नॉट एंड दिस ई पावर एल कहां गया, माइनस एल इसके साथ में था ना, एल डी आई बाई डी टी,
ये एल था यहाँ पे, ठीक है, एल डी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस आई आर, इक्वेशन उल्टी लिख गई, सॉरी तो मैं सोचू क्या गड़बड़ी हुई, आर डी टी, ठीक है, इक्वेशन बनेगी एल डी आई बाई आई इज इक्वल टू माइनस डी टी आर ऐसे, ठीक है, ये लॉग आई आएगा लिमिट आई नॉट से आई एंड दिस इज माइनस आर टी, एल को इधर नीचे ले आते हैं लिमिट लगा के ही आ जाएगा, ठीक है, यहां से लॉग आई बाई आई नॉट लॉग आई माइनस लॉग आई नॉट आएगा, लॉग आई माइनस लॉग आई नॉट विच इज इक्वल टू माइनस आर टी बाई एल, ठीक है, तो लॉग आई बाई आई नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी बाई एल, तो आई बाई आई नॉट की वैल्यू आ जाएगी आई बाई आई नॉट, आई नॉट इज इक्वल टू ई पावर माइनस आर टी बाई एल, और यहां से आई आ जाएगा आई नॉट ई पावर माइनस आर टी बाई एल, ठीक है, ये आई की वैल्यू हो गई। तो यहां से पता चला कि करंट इज डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली, जो डिके सर्किट होता है ना, इसमें ग्राफ बनाऊ करंट का, ऐसे बनेगा आई वर्सेस टी, शुरू में कितनी करंट थी आई नॉट थी और बाद में करंट डिक्रीज हो रही है, ठीक है, और टाइम कांस्टेंट वही होता है हमारा एल बाई आर होता है, एल बाई आर इज टाइम कांस्टेंट, ठीक है, और इसमें आप याद कर लेना आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट है ना, अगर आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट की बात करें तो जो करंट होती है ना, दैट विल बी 37% ऑफ इनिशियल, अब फॉर्मूले पुट कर लेना, ठीक है, और अगर टाइम की वैल्यू, टाइम इज इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू वन टाइम कांस्टेंट, तो ये कहानी होगी, एंड आफ्टर टू टाइम कांस्टेंट, टू टाउ, टू एल बाई आर टाइम भी आप निकालोगे तो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 14%, अब फॉर्मूले में पुट करके देख लेना वैल्यूज, कल बताया ना कॉम्प्लीमेंट्री आती है वैल्यूज, जो आपकी ग्रोथ में होता है, भाई ग्रोथ में क्या होता है, ग्रोथ में होता है आई नॉट वन माइनस ई पावर माइनस आर टी बाई एल आ रहा है, ये ग्रोथ में होता था, डीके में क्या फॉर्म ला रहा है आई नॉट ई पावर माइनस आर टी बाई एल, तो देखो यहां पे वन माइनस आ रहा है और यहां पे सिर्फ ई आ रहा है, तो मैं वन से माइनस करता चला जाऊंगा, ठीक है, तो वहां पे देखो आप वन टाइम कॉन्स्टेंट के बाद, पहले के बाद 63% हो गया था, टू के बाद 86 हो गया था, थ्री के बाद लगभग वो 96% हो गया था और फोर के बाद लगभग वो 99.6% हो गया था, ये थी ग्रोथ की कहानी, डीके में बिल्कुल इसका कॉम्प्लीमेंट्री चलेगा, 37 होगा ये 14 होगा, ठीक है, ये 4 होगा और ये फिर आप निकलना 0.4 के आसपास, ठीक है, ऐसे उसमें करंट डीके करती, ये ग्रोथ है ये डीके आफ्टर वन टाइम कॉन्स्टेंट। इसमें आपसे लॉग आई वर्सेस टी का ग्राफ भी पूछ लेता है, लॉग आई वर्सेस टी का ग्राफ क्या बनेगा, है ना, तो आपने देखा था आई बाई आई नॉट कितना आया था, जो आपका लॉग आई बाई आई नॉट आया था, लॉग आई बाई आई नॉट इसकी वैल्यू आई थी माइनस आर टी बाई एल, ठीक है, तो लॉग आई माइनस लॉग आई नॉट इज माइनस आर टी बाई एल, तो लॉग आई इज इक्वल टू माइनस आर टी बाई एल प्लस लॉग आई नॉट, ठीक है, इसका ग्राफ बनाओगे आप अगर लॉग आई वर्सेस टी का, तो इट विल बी स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप ऐसे बनेगा, दिस इज लॉग आई वर्सेस टी, स्लोप कितनी होगी, स्लोप इज माइनस आर बाई एल, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप, अगर इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ का ग्राफ बनाए, इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस इंडक्टर वर्सेस टाइम, है ना, ये यार हमने ग्रोथ में भी डिस्कस नहीं किया था, तो ग्रोथ में भी इसको यहां डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, दोनों की बात कर लेते हैं, पहले ग्रोथ की बात कर लेते हैं, ग्रोथ में कल ग्राफ रह गया था,
आई इज आई नॉट वन माइनस ई पावर माइनस आर टी बाई एल. आप सबको पता है जो ईएमएफ होता है वो होता है एल डी आई बाई डी टी. अभी मैं मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ यार, मैं समझे एल डी आई बाई डी टी मैग्नीट्यूड निकालूंगा मैं इसका, ई एम एफ का. तो ये आप इसको आई नॉट आएगा, डिफ्रेंशिएट मारोगे डी बाई डी टी ऑफ वन माइनस ई पावर माइनस आर टी बाई एल आएगा. इसको डिफ्रेंशिएट मारोगे आप तो आई नॉट आर ई पावर माइनस आर टी बाई एल आ जाएगा. वॉट इज आई नॉट आर? आई नॉट आर क्या है? दिस इज मैक्सिमम करंट इनटू रेजिस्टेंस, है ना? ये आपका क्या है? दिस इज मैक्सिमम ईएमएफ. समझा? ये तो बैटरी का ईएमएफ होता था यार, ई नॉट आर, आई नॉट आर. आई नॉट की वैल्यू पुट करते थे. चलो ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आई नॉट होता था ई बाई आर. समझ गया? जो आई नॉट होता था वो होता था ई बाई आर इंटू आर इंटू ई पावर माइनस आर टी बाई एल. सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो इंडक्टर के क्रॉस ईएमएफ आ रहा है वो आ रहा है ई इंटू ई पावर माइनस आर टी बाई एल. ये किसकी बात हो रही थी? ये ग्रोथ की बात हो रही थी, ग्रोथ वाले की. कल मैंने आपको करवाया नहीं था, टाइम ओवर हो गया था. अब इसका ग्राफ बनाएंगे, रियल वर्सेस टी, ये ऐसे बनेगा इंडक्टर में ईएमएफ. ये ग्रोथ वाला हो गया. चलो डीके की बात करते हैं. डीके में भी ग्राफ ऐसे बनेगा. डीके में क्या होता है कि इंडक्टर है ना, इंडक्टर को करंट फ्लो कर रही थी और सडनली आपने इसको एक रेजिस्टेंस से क्या कर दिया, डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया. तो आई इज इक्वल टू आई नॉट ई पावर माइनस आर टी बाई एल. ठीक है, एल डी आई बाई डी टी करते हैं. तो एल इंटू आई नॉट, इसको डिफ्रेंशिएट मारोगे तो माइनस आर बाई एल ई पावर माइनस आर टी बाई एल. ठीक है, दिस इज माइनस माइनस आई नॉट. जैसे मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ तो दिस इज आई नॉट आर ई पावर माइनस आर टी बाई एल. ये शुरू का ईएमएफ होगा ना, शुरू में करंट आई नॉट थी, रेजिस्टेंस आता है, शुरू का ईएमएफ होगा. इसको ई नॉट लिख लेते हैं, इसको वीएल लिख देते हैं. तो देख रहे हो आप, इंडक्टर के क्रॉस जो ईएमएफ है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग हो रहा है. यहां भी ग्राफ वही बनेगा कि जो ईएमएफ वो टाइम से डिक्रीज कर रहा है. शुरू में कितना था? शुरू में ई नॉट था, जो मैक्सिमम वैल्यू थी उसके क्रॉस. तो डीके और ग्रोथ दोनों में इंडक्टर धीरे धीरे, तो पता ही चला कि जो इंडक्टेंस का इफेक्ट होता है ना वो धीरे धीरे डिक्रीज होता जाता है. शुरू में इंडक्टेंस का इफेक्ट मैक्सिमम होता है, बाद में उसकी वैल्यू कम होती रहती है. तो ये दोनों का इंडक्टर का ग्राफ हो गया. ठीक है, तो डीके की बात हो गई, डीके सर्किट की और ग्रोथ की बात हो गई. इन पे एचसीबी में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसको सॉल्व करेगा. और इसमें चलिए नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं, नेक्स्ट उसमें.